हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है टेक्निकल मूल। आज का टॉपिक है फ़ोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे आप प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ोन पे। जिसको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है वो प्ले स्टोर से करें। बाकी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही फ़ोन पे की डाउनलोड लिंक दे दी है, उससे भी आप फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन पे डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद आपको नंबर सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। इसके बाद 5 डिजिट का OTP आपके नंबर पे आएगा। ये OTP आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये ऑटो रीडिंग अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोन पे से जुड़े कुछ परमिशंस के लिए अलाउ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा ऐड बैंक अकाउंट, उस पर क्लिक करना है। ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जैसा कि मेरा SBI है। अगर आपका बैंक ऊपर नहीं दिख रहा है तो नीचे अदर बैंक्स के नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप अपना बैंक देख सकते हैं। SBI बैंक के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल में जो 2 SIM है उसमें से कौन सी SIM मेरे SBI अकाउंट से लिंक है ये मुझे बताना है। ऐसा ही आपको भी करना है। जैसे कि मेरा जो SBI अकाउंट है वो Airtel SIM से लिंक है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें लिखा होगा फाउंड वन अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेरा अकाउंट मतलब अब इसके द्वारा फ़ोनपे के द्वारा फाइंड कर दिया गया है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है प्रोसीड टू ऐड, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू ऐड क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपनी पिन सेट करनी है। यहाँ पे रीसेट UPI पिन लिखा है, मेरे में रीसेट UPI पिन इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी जो UPI पिन है वो पहले से सेट थी। तो आपके में आएगा सेट UPI पिन, इस पर क्लिक करेंगे। सेट UPI पिन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने डेबिट कार्ड मतलब ATM से जुड़ी कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन पे के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट आपको लिखना है। उसके बाद ये लिखना है कि ये वैलिड कब तक के लिए है, मंथ और ईयर। इन सब को लिखने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन पे अकाउंट बन जाएगा, लेकिन अभी कुछ प्रोफाइल में चीज़ें छूटी हुई है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पर दोबारा जाएंगे। प्रोफाइल पर दोबारा जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ पे लिखा है KYC डिटेल्स, वहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ है वेरीफाई, इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई जहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे जो आपकी KYC को पूरा कर देंगे। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दे दीजिए और पैन कार्ड होल्डर मतलब जिसका पैन कार्ड है उसका नाम लिख दीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना वोटर ID सेलेक्ट किया है, यहाँ पे वोटर ID नंबर लिखेंगे और वोटर ID जिसकी है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद आपका बन जाएगा फ़ोन पे अकाउंट। इसके बाद अगर आपको किसी को ट्रांसफ़र मनी करना है तो ट्रांसफ़र मनी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, 2 मोबाइल नंबर, 2 बैंक या फिर UPI ID। अगर आपके पास मोबाइल, यदि आपको जिसके अकाउंट में पैसे भेजने हैं उसका भी आपकी तरह ही फ़ोन पे अकाउंट है, तो यहाँ पे आप 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। 2 मोबाइल नंबर पे क्लिक करने के बाद उसका मोबाइल नंबर देखेंगे। मोबाइल नंबर पे देखने के बाद आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। और अगर उसका फ़ोन पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप बैंक अकाउंट में जाकर उसके बैंक की कुछ डिटेल्स को फिल करके उसे
ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।